दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। एल्युमिनियम फूड कंटेनर वाला बिजनेस, आपके जो खाने के जो कंटेनर्स आते हैं जो नॉर्मली होटल्स रेस्टोरेंट्स में जो यूज़ करते हैं, किचन जितने भी होटल्स रेस्टोरेंट जहाँ पे मेन होते हैं वहाँ पे इन कंटेनर का यूज़ आता है, प्लस घर पे भी कुछ कुछ लोग इनको यूज़ करते हैं ऐसा टिफ़िन के लिए, तो इन कंटेनर को कैसे बनाया जाता है, कहाँ बेचना है, कितने का पड़ता है, एक कंटेनर में कितनी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में जानने करेंगे। तो ये वीडियो को पूरे एंड तक देखना। बात करते हैं रॉ मटेरियल की। इसका रॉ मटेरियल एल्यूमिनियम फॉइल के रोल्स आते हैं, जंबो रोल्स आते हैं, वो आपको खरीदने पड़ेंगे। उसकी प्राइस देखा जाए तो 215 रुपये से 225 रुपये पर केजी के करीबन आते हैं नॉर्मली। इसकी अगर एक फिक्स रेट की बात करी जाए तो 220 रुपये अभी फ़िलहाल का रेट चल रहा है इसका। इसमें आपको 18% GST प्लस आपको इसका ट्रांसपोर्ट का चार्ज आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। ये सब ट्रांसपोर्ट सब मिला के आप इसकी कॉस्टिंग पकड़िए कि आपको एक को एक रोल कितने में बैठेगा। ये रोल केजी के हिसाब से आता है कि कितने केजी का रोल आपको लेना है। ये बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा है, सिर्फ और सिर्फ वो आपको डायरेक्ट बताते हैं कि 220 रुपये का पड़ेगा, ये हकीकत नहीं है। आपको 18% GST प्लस ट्रांसपोर्ट चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। ये सब बहुत सारे सीधा आपको प्रॉफिट बता देते हैं, इतना सब हकीकत की बात नहीं है, सच्चाई की बात ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, इस वीडियो में पूरी चीज़ बताऊँगा कितने का क्या पड़ेगा, प्लस एक कंटेनर को बनाने में कितनी क्या कॉस्टिंग पड़ेगी, इसमें आप कितना प्रॉफिट रख सकते हैं, वो पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। ये वीडियो तो को पूरे एंड तक देखना। अब बात करते हैं मशीन के बारे में। इसलिए आपको इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी एल्यूमिनियम फॉइल रिवाइंडिंग मशीन की, जो आपका फॉइल को पूरा कंप्रेस करके प्रेस करके जो एल्यूमिनियम फॉइल के कंटेनर से उसमें बनाएगा। इसमें आपको अलग अलग शेप के लिए अलग अलग डाई की ज़रूरत पड़ेगी। आप जब मशीन ले तब एक ही बार में आप सारी डाई ले लीजिए, जिससे आपको बार बार उनको बोलने की ज़रूरत ना पड़े। आप इसमें जितने भी शेप्स आपके मार्केट में चल रहे हैं उस शेप से एक बार में सारी डाई ले लीजिए। We'll be right back.
करते हैं मशीन के प्राइस के बारे में। ये मशीन की प्राइस 7 लाख से 15 लाख के बीच में आती है। कैपेसिटी मैंने आपको पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ, 40 पीस से तक 60 पीस तक की इसकी कैपेसिटी है पर मिनट की। मशीन की प्राइस में मैं आपको बता दूँ कि इसमें भी आपको 18% GST अलग से देना पड़ेगा, प्लस 18% GST के साथ साथ आपको ट्रांसपोर्ट का चार्जेस भी आपको ही पे करना पड़ेगा, प्लस जो इस मशीन के जो वुडन बॉक्स के अंदर पैक होती है उसका भी चार्जेस आपको ही देना पड़ेगा। तो कुल मिला के इस मशीन की देखा जाए तो आपको दूर रहते हैं आप 15 से 20 हज़ार रुपये सिर्फ आपको ट्रांसपोर्ट ही ट्रांसपोर्ट का देना पड़ जाएगा, 4 to 5 thousand rupees के पैकिंग के देने पड़ जाएंगे, प्लस आप जितने की भी मशीन लेते हैं उसमें 18% आपको GST भी आपको देना पड़ जाएगा। ये सब ऐड करने के बाद आपको फाइनल प्राइस आपको मशीन की पड़ेगी। अब इसीलिए मैंने इसमें प्राइस आपको वेरी बताई, 7 लाख से 15 लाख। आपको जो 7 लाख की मशीन हो 8 साढ़े 8 लाख तक आपको पड़ेगी अगर सब बात करें। वही आप पैकेजिंग भी आपके एरिया पे डिपेंड करती है, अगर आप बॉक्सेस सेल कर रहे हैं तो बॉक्सेस में आपको पर बॉक्स आपके इसमें आपके एरिया में क्या 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 पैकेजिंग में चल रहा है, 2000 पीसेस के पैकेजिंग में चल रहा है, 1000 पीसेस के पैकेजिंग में चल रहा है, 2500 3000 क्या पीसेस के आपके उस एरिया में पैकेजिंग में चल रहा है उसके हिसाब से आपको सेल आउट करना है। ये पैकेजिंग आपके एरिया पे डिपेंड करेगी, प्लस इसका जो प्रॉफिट है वो भी आपके एरिया पे डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं आप इसको कहाँ सेल आउट कर सकते हैं। इनको आप होलसेलर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, यहाँ पर आप डायरेक्ट सेलर रिटेलर्स वही रिटेलर्स को अप्रोच करिए जो इनको बल्क में लेते हैं, जिनको जिनकी शॉप बहुत बड़ी है, जिनका मार्केट बहुत बड़ा है, उन्हें रिटेलर्स को अप्रोच करिए, छोटे रिटेलर्स को अप्रोच मत करिए। होलसेलर्स को अधिकतर जितने होलसेलर्स को अप्रोच कर सकते हो उतने होलसेलर्स को अप्रोच करिए। और अब अगर आप मार्केटिंग पर्सन्स को रख सकते हैं तो उनको बोलिए कि वो डायरेक्ट होलसेलर को रीच करें, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को रीच करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर्स में आपको प्रॉफिट कम हो जाता है, अगर वहीं आप होलसेलर्स को रीच करेंगे तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। अब सेल्समैन रख के आप डायरेक्ट होलसेलर्स को रीच करवा सकते हैं, सेल्समैन आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होलसेलर्स को आपको रीच करेंगे। अब बात करते हैं प्रॉफिट के बारे में। एक चीज़ आपको एक कैन बनाने में, एक कंटेनर बनाने में, एक स्टैंडर्ड साइज़ का एक कंटेनर बनाने में आपको एक रुपये से 1 रुपये 10 पैसे का आपका खर्चा आएगा, प्लस आप 50 पैसे से 1 रुपये तक आपको पर कंटेनर में आपका प्रॉफिट रख सकते हैं। ये प्रॉफिट आपके एरिया में डिपेंड करता है, कहीं कहीं पे सेम कंटेनर 2 रुपये 2.5 रुपये में सेल होता है, और कहीं कहीं यही 2 रुपये 1 रुपये 70 पैसे 1 रुपये 50 पैसे में भी ये चीज़ सेल होती है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब